मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 1.2 की थी और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज चलने से पहले मैं आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन के रूल फॉलो बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो रूल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर देन टू इंटीजर्स। जब हम इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस अगर दो मल्टीप्लिकेशन दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब पॉजिटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें चाहे दो इंटीजर हो या दो से ज्यादा कितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 8 × 5 × 3 × 6 × 7 = 5040, 3 × 5 × 2 × 8 = 240। हमने देखा कि हमने अलग अलग नंबर्स में, ओड नंबर में, इवन नंबर में इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स लिए और उनका प्रोडक्ट देखा तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, सेकंड रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर देन टू नेगेटिव इंटीजर्स। जब हम दो या दो से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स, दो या दो से ज्यादा नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हैं कि यदि हमारे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो दो या इवन नंबर में हो, या तो दो हो या इवन नंबर में हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इवन नंबर मींस उनकी संख्या सम होनी चाहिए, जैसे −3 × 6 = 18। ठीक है, −1 × −5 × −6 × −7 × 2 × −3, इनकी संख्या देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो इनकी ये इंटीजर्स कितने हैं, 6 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनका मल्टीप्लाई हम जब हमने किया तो इसका सब प्रोडक्ट कितना आया, 1260 आया। और इवन नंबर में होने के कारण इनका जो माइनस है वो किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गए। −4 × −3 × −6 × −2 = 240। यहां भी जो इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो इवन नंबर में हैं। सेकंड, व्हेन इंटीजर्स आर 3 और इन ओड नंबर, जब इंटीजर्स 3 हो या ओड नंबर में हो, मींस विषम संख्या में हो, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल −3 × −5 × −6 = 90। यहां देखो, यहां पॉजिटिव इंटीजर्स 3 हैं, जो कि एक ओड नंबर है, 3 ओड नंबर है, इसलिए
इनका प्रोडक्ट माइनस में आएगा -19। सेकंड -20 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -3600। यहां पे इंटीजर्स काउंट करना 1, 2, 3, 4, 5। यहां भी 5 क्या है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर का जब हम ओड नंबर में जब नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगा। अब मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ऑलवेज इंटीजर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू -100। ठीक है, ये -100 क्या है, इंटीजर है। -3 मल्टीप्लाई -6 इज इक्वल टू 18, ये भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या, सेकंड जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या स्टेट करती है, अगर हम ए और बी दो इंटीजर्स हैं उनका अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दें, मींस ए को बाद में ले जाएं और बी को पहले ले आएं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज सेम होगा। फॉर एग्जांपल -8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -8, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना सेम होगा, चाहे हम इनका सीक्वेंस चेंज कर दें, 3 को पहले ले आए या 3 को बाद में ले जाए तो इसका इसका प्रोडक्ट सेम होगा। नेक्स्ट -6 मल्टीप्लाई -8। अब यहां पे देखो -8 को हमने आगे ले लिया और -6 को पीछे ले लिया, तो इसका देखो प्रोडक्ट कितना होगा, 6 8 जा 48, और 2 टाइम्स नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहां भी क्या होगा 48। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, अगर हम इंटीजर्स की सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, अगर हम एबीसी ए बी और सी तीन इंटीजर्स हैं, अगर हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग कैसे भी कर दो तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। जैसे ए ब्रैकेट स्टार्ट ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट बी मल्टीप्लाई सी, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 4, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 6 24 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ए और बी, ए बी और सी थ्री इंटीजर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 16 को 10 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा,
16 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 160 प्लस 32 इज इक्वल टू 192 होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। जब हम किसी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल -3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 100 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। -65 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय 0 देन इट्स प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय 1, जब हम किसी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज सेम इंटीजर होता है। फॉर एग्जाम्पल -3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -3, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100, 20 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 20, -26 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -26। यहां हमने अलग अलग इंटीजर्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट हमें उसी इंटीजर के रूप में मिला, ठीक है। तो यहां 1 जो है ना वो क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। और 0 0 क्या है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी और 1 मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अब हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। एग्जाम्पल इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसका फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, 3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, और यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, -3। एफ पार्ट देखो, -12 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ पे 12 का और 11 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 12 1 जा 12, और 12 1 जा 12 और 1 13, और 10 का यहाँ 0 आ जाएगा और माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, 1320। और इसका जे पार्ट, ये हमने कौन सा पार्ट किया था, एफ पार्ट किया था। अब जे पार्ट कौन सा होगा, जे पार्ट में क्या है, -3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1
इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करो 3 6 18 और माइनस और माइनस प्लस हो गए मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई क्या करोगे 2 1 2 और माइनस माइनस प्लस और अब इनका मल्टीप्लाई कर दो 18 2 36 आंसर क्या आ गया 36 आ गया। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप खुद स्वयं से करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है। एटीन मल्टीप्लाई ए पार्ट है 2 का, 18 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई माइनस 3 सॉरी प्लस है भैया ठीक है। इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस 3। अब इसको सोल्व करोगे क्या होगा 18 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 7 यहां माइनस प्लस है अंदर जाके इस साइन को चेंज नहीं करेंगे माइनस 3 हो जाएगा इजिकल टू 18 7 126 माइन देखो ये 18 है ना प्लस का है और माइनस 3 है तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस 54 यहां कितना होगा 18 मल्टीप्लाई इसको माइनस कर दो 7 माइनस 3 इजिकल टू 4 इजिकल टू इसको माइनस करोगे तो 72 आ जाएगा 72 इजिकल टू 72। बी पार्ट आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एनी इंटीजर ए, ए कोई इंटीजर है व्हाट इज माइनस ए माइनस 1 मल्टीप्लाई ए, ए कोई इंटीजर है और जब हम उसको माइनस 1 मल्टीप्लाई ए करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा माइनस ए, ए बन जा ए हो जाएगा और माइनस यहां है प्लस ये है तो माइनस इसका साइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद माइनस 1 इज, हमें वो इंटीजर पता इंटीजर का पता करना है जिसका माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट है ना कितना है माइनस 22 आए माइनस 22 प्रोडक्ट कितना है माइनस 22 है। किससे मल्टीप्लाई किया हमने माइनस 1 से तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई अब 22 हमने एड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था कि जब हम 1 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा वही इंटीजर आएगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 22 को किससे मल्टी
वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये मिले, 22 होगा। और माइनस का चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 22 होगा, तब जाके माइनस। तो जो इंटीजर वो है, इंटीजर जो हमें मिलना चाहिए वो क्या होगा, 22 होगा। थर्टी सेवन क्या होगा, प्लस 37 प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब हम माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस 37 से करेंगे तब 37 मिलेगा हमें। जीरो कब मिलेगा, माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई फाइव से लेके हमें माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन इजिकल टू वन तक का पैटर्न बनाना है। माइनस वन मल्टीप्लाई फाइव इजिकल टू माइनस फाइव, माइनस वन मल्टीप्लाई फोर इजिकल टू माइनस फोर, माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री इजिकल टू माइनस थ्री, माइनस वन मल्टीप्लाई टू इजिकल टू माइनस टू, माइनस वन मल्टीप्लाई वन इजिकल टू माइनस वन, ठीक है। और माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो इजिकल टू जीरो, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन इजिकल टू प्लस वन, ये हमें ये पैटर्न बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। जो मैंने पीछे जो प्रॉपर्टीज करवाई थी उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें प्रोडक्ट निकालना है। ट्वेंटी ए पार्ट फिफ्थ का 26 मल्टीप्लाई माइनस 48 प्लस माइनस 48 मल्टीप्लाई 36 माइनस 36 है। अब यहां पे क्या, 48 मल्टीप्लाई 26 माइनस 36, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस 48 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे माइनस करोगे 36 में से 26 10 हो जाएगा। अब ये माइनस के 36 है तो माइनस 10, और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 48 10 जा 480, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट वन, डी पार्ट, डी में क्वेश्चन नंबर डी फाइव का डी पार्ट है वो क्या है, माइनस 41 मल्टीप्लाई 102। इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस 41 मल्टीप्लाई इसको है ना 102 को क्या कर, क्या लिखेंगे, 100 प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। आप देखो अब इसका मल्टीप्लाई पहले इससे करो, माइनस 41
यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने 102 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किसमें, 100 प्लस 2 में, ठीक है, प्लस माइनस 41 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 41 और 2 0 माइनस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा माइनस है 82 और आंसर क्या आ जाएगा माइनस 4182 आंसर आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसको सोल्व किया है। 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप खुद करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।